अरविंद थोड़ा ऊपर उठा ना, आपने देख लिया? अच्छा, इससे पहले आपने देख लिया? मैं क्या कहूँ फिर, आप बोलिए ना, मेरे से क्या बोलूँ? इंटरेस्टिंग आपको लगा तो आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा। हम लोग तो कैमरे के पीछे वाले आगे वाले लोग हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, चरित्र मिलता है उसमें, करते हैं। तो उसके बाद अगर आपने सवाल से शुरुआत में आपने पूछ लिया कि आपको अच्छा लगा, देखिए मैं एक्चुअली हमारे जो निर्देशक हैं सर, पहली बार संजय सूरी सर की मौका मिला, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। तो और अभी जिस तरह से पता नहीं जब कोई धन प्लेटफॉर्म के बारे में फिर नया दौर शुरू हुआ है हमारे देश में, थोड़ा लेट आ रहा है, लेकिन सिनेमा के अलावा भी जो एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, वो आप ऑनलाइन ड्रॉप कर सकते हो, आप ऐप कर सकते हो, कर सकते हो। मैंने एक्चुअली पहले ही साइकोलॉजिकल से but then I am actually in this film, in this scene, only other side. I am not the psychological victim. I am the one who is sort of searching for the killer. So yeah, it was different. मेरे life में भ्रम actually हुआ है। अभी मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था कि प्यार एक भ्रम है और निश्चित नाते भी एक भ्रम ही है। Actually दुनिया एक भ्रम है, जो मतलब ऐसे तो बड़े बूढ़े बोल के गए हैं कि ये हम सब भ्रम की दुनिया है। दिवाली के प्लान्स कुछ नहीं है घर पे, मैंने मेरा नया घर है, ये मेरे घर नए घर की पहली दिवाली है, तो कुछ जी थैंक यू। मम्मी में इतने सालों बाद एक सर छुपाने की जगह खरीदी है और वहाँ पे कुछ दिए जलाऊँगा और क्या। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारक, पटाखे मत जलाइएगा, लेस पोल्यूशन एंड सेव द एनवायरनमेंट। अच्छा, अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। आपने देखा? यार हमेशा कुछ भी, यार हम एक्टर्स होते हैं, हम डबिंग के वक्त थोड़ा बहुत देखते हैं, बाकी सब तो डरे हुए ही रहते हैं कि सबको पसंद आएगा नहीं आएगा, हमने अच्छा काम किया नहीं किया। बहुत काफ़ी वक्त हो गया इंडस्ट्री में, लेकिन अब भी शक होता है अपने आप पे। नर्वस नहीं हूँ, नहीं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन आई जस्ट फील के इंशाल्लाह लोगों को पसंद आए। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबकी मेहनत लगती है, हम तो सिर्फ एक्ट करके निकल जाते हैं, उसके बाद बहुत काम होता है। तो संगीत सर, संगीत सेवन जिन्होंने डायरेक्ट किया था, ही इज़ अ वेरी स्वीट जेंटलमैन। तो आई जस्ट होप फॉर एवरीवन सेक लोगों को पसंद आए। जब उस वक्त क्या माइंड में चल रहा था? शिमला। उस वक्त तो सिर्फ मुझे मॉनसून यहाँ का छोड़ के भागना था, और शिमला में इनफैक्ट डेढ़ महीने हमने शूटिंग की, बहुत मज़ा आया शूटिंग में भी और ऑफ डेज में भी। ट्रैकिंग की, जंगलों में नंगे पैर भागे, टीटी खेले, बहुत मज़ा आया एक्चुअली।
ऑफ स्क्रीन पहली बात तो आधा यूनिट मुझसे बात नहीं कर रहा था, उन्हें लग रहा था मैं कोई और एजाज खान हूँ। हाँ देखा, आपका भी यही रिएक्शन था। आई थिंक भूमिका जी को अब तक पता नहीं है मैं कौन हूँ। और दूसरी बात, ये जो यंगस्टर्स हैं ना, कैन आई से ऑल दिस, फक इट, आई एम गोना से इट, आई सेड दैट शिट, एनीवे, ये यंगस्टर्स है ना, रात में पार्टी करते थे होटल में, दो बार मैंने कंप्लेन भी की कि यार इतना आवाज़ कैसे 3 बजे तक आता है, और मेरे को एक्टर्स को लगा कि मैं पार्टी कर रहा था, और दूसरे दिन मुझे एकदम ऐसे शक की नज़र से देख रहे थे, अच्छा ये पार्टी कर रहे हैं। एक दो लोगों ने बोला भी यार ये कैसे इतने बजे तक पार्टी करके सेट पर आ सकता है, तो मैंने अब तक क्लैरिफाई नहीं किया कि मैं वो नहीं हूँ, उनको अभी भी यही लगता है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यार, अनसॉल्वेबल कास्ट है, बहुत अच्छी कास्ट है। इनफैक्ट इस शो का एक USP वही है इसकी कास्ट, हम ही नहीं जो बूढ़े कास्ट मेंबर्स हैं वो नहीं, यंगस्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ऑडियंस को उनका काम और भी ज़्यादा पसंद आएगा। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बिकॉज इसको हमने शिमला में और शिमला के आसपास जंगलों में शूट किया, तो एक वहाँ की जगह ही एक कैरेक्टर बन जाती है, और उसे एक्सप्लॉइट बहुत अच्छी तरह से किया गया है और बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है, तो आधा वक्त तो आपको उस जगह देख के ही डर लगेगा। जी हाँ, बहुत हुआ है यार, अभी भी हो रहा है, इस वक्त भी भ्रम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। भ्रम का मतलब ये होता है कि जो है वो शायद नहीं है और जो शायद नहीं है वो है, राइट। कभी कभी हमारे मन का भ्रम होता है, कभी कभी सिचुएशनल होता है, कभी कभी लोगों का होता है, तो उसके बारे में ज़्यादा मैं क्लैरिफाई नहीं करना चाहूँगा। माई टी शर्ट सेज इट ऑल। दिवाली आ रही है, दिवाली, या यार ट्रैफिक बहुत हो गई है ना, मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटा लग गया। एनीवे, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ हैव अ सेफ दिवाली, बहुत मिठाइयाँ बांटिए, खुशियाँ बांटिए, और खुश रहिए और खुश कीजिए, मुझे भी इनवाइट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म्स देखना मेरा जॉनर नहीं, मैं बहुत डर जाता हूँ, मगर दिस लुक्स लाइक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड नाइस शो। सारे लोग इतने अच्छे एक्टर्स है दैट आई एम वेटिंग टू सी एवरीबॉडी। जी यार, दिवाली में प्लान्स रोज़ बन जाते हैं, सो जस्ट वो हैव फन, मीठा कंट्रोल करने वाला हूँ, बस ये प्लान्स हैं। एक बार मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस लाइफ में मैंने किया नहीं कभी, एक बार हुआ था खाली, जब लिफ्ट अपने आप मेरी ऊपर चली गई थी बंद करने के साथ, वहाँ मैं थोड़ा सा हिल गया था, वरना ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ। हाय, दिस इज़ आमिर अली एंड आई विश एवरीबॉडी अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू। कुछ बदलो उस टाइम, यही
नीचे पास हां बस ये नीचे का जूता देखा ना हां सामने दुआ की सुनिए काफी पसंद आया है बांधे रखी और कहीं ना कहीं डरावना भी लगा क्या कहने चाहिए आपने देखा मैंने तो देखा नहीं अभी तक तो आप बताइए आपको कैसा लगा आप कितने एक्साइटेड हैं आगे बढ़ना चाहते हैं तो बस उम्मीद यही है कि दर्शक थ्रिलर है साइकोलॉजिकल थ्रिलर सुपरनैचुरल तो और मिस्ट्री मर्डर मिस्ट्री क्या हो रहा है तो अगर बांध के रखेगी कहानी तो जाहिर है कि ऑडियंस आगे देखना चाहेगी तो यही कोशिश रही है सब जो निर्देशक हैं संगीत चवन और एक्टर्स की सारे मेकर्स की पूरी कास्ट के साथ बहुत ही उमदा कास्ट है कल की इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है हर फिल्म में एजाज खान अच्छे बड़े एनर्जेटिक एक्टर हैं भूमिका चावला यंगर एक्टर्स हैं अंजलि गरिमा लड़के हैं सो सत्यदीप मिश्रा सब अच्छे एक्टर्स हैं और जैसे आपने देखा होगा प्रोटैगनिस्ट कल्कि का कैरेक्टर है तो हम सब बड़ी कहानी का छोटा सा हिस्सा है शिमला हिमाचल में शूट हुआ है हिमाचल में शूट हुआ शिमला और चैल मुझे चैल बहुत पसंद आया था और बहुत ही खूबसूरत जगह है और कंस्ट्रक्शन कम है इसीलिए खूबसूरत है और शिमला भी बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है भ्रम कम देखिए इल्यूजन जो है हर कोई बोलता है कि ये भ्रम हुआ है नहीं हुआ है वगैरह ये भ्रम ही तो है सब कुछ ये जो अभी कहीं चला जाता है ब्रॉडकास्ट हो जाता है ये सब भ्रम ही है ये असल में है कि नहीं पता नहीं लेकिन हम सब एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग चीज़ें बस परिवार के साथ दीपावली मनाता हूँ और बाहर तो दिए और दीपक जलते हैं बट एक भीतर भी एक दिया जलाने की कोशिश रहती है जी। बस नमस्कार मैं हूँ संजय सूरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली दीपावली की वेट सर अरे यार वाइट बंद करो भाई से बोल दे भाई मैं चालू बहुत खुश हूँ कि फाइनली प्रीमियर में आ गई हूँ क्योंकि हम बहुत देर से शूट कर रहे हैं 3 महीने से इट्स ग्रेट दैट इट्स फाइनली आउट ब्रह्म जैसे अभी हमने 2 एपिसोड्स देखे हैं इट्स लाइक इट हैज़ अ स्पूकी फीलिंग एंड इट हैज़ इट ग्लूज यू टू दिस टू योर सीट मतलब देखा जाए तो जिस तरीके से स्टोरी आगे के पढ़ रही है जी ओनली वाज द 2 first 2 episodes एंड वी आर ग्लूड टू वॉच मोर दैट्स ग्रेट न्यूज सो यू जस्ट टेल मी जिस तरीके से ये कैरेक्टर रहा है आपका इट योर कैरेक्टर इज हैविंग यू नो हेलुसिनेशंस एंड समवेयर ऑन वी आर फियरिंग देयर इज अ क्रीचर अराउंड द जंगल
or there is this one god kind of stuff. So you tell me, what do you say about this mythology that has been, you know, adapted for this Brahm, and it has been labeled as Brahm. It might be real or it can be Brahm. Yeah. So what do you say about the concept? I think it's a really cool concept. Also, there's so many different timelines and so many different characters who have all their stories happening at the same time, which just keeps you guessing. Yeah. Okay. So you have the idea, did this, the whole eerie, you know, environment, the whole surrounding, did it took a toll on you? Because Shimla bahut sundar hai. Yeah, but wo sundarta ke andar jo camera tricks hai na, sab camera mein matlab bahut spooky lag raha hai. Lekin hamare liye bahut acha tha kyunki hum pahad mein reh rahe the 2 mahine tak aur every day acche walks ke liye jate the, chidiya sunte the instead of traffic horns. So it was actually a beautiful place. Yeah, so dekha jata Sacred Game 2 and now Brahm, jis tarike se dono jo aapke character hain, Sacred Game 2 mein bhi aapka jo character tha Batya ka, it was like once jo ek bar jab aapka wo aage, then it was like aapka jo timeline tha, it was to show khatam hone ke baad bhi rehta hai, because there are many questions that needs to be answered. And talking about Brahm also, so how, what do you want to say about the character that you're getting in web series? Matlab it's quite a different role. Made in Heaven se leke, Sacred Game to Brahm, what do you want to say about it? Main kaafi lucky hoon, I think. Kaafi alag roles mil rahe hai because of web series. Yeah. Faiza, Batya and now Alisha Khanna. Bahut hi alag type ke characters hai aur genre bhi bahut alag hai. So as an actor, hum bahut khush hai because you know, you get to explore so many different things. Sure. Jab hum dekh rahe the web series, हाँ, मतलब एक्चुअली जब हम शूट कर रहे थे बहुत टेक्निकल है, क्योंकि हम कोई भूत नहीं देखते हैं, कोई साउंड नहीं सुनते हैं, बस डायरेक्टर बोलते हैं अभी रिएक्ट करो, ये आया वो आया, सो वी नेवर फील दैट हॉरर फीलिंग. तो एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर, अभी मैं अंदर जाके देखूंगी टू सी इफ आई गेट स्केयर्ड. देखते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.